गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम आ चुके हैं घर और अभी हो रही है, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। तो आज हम खाएंगे चूल्हे की रोटी। हमारी गैस हो गई है ख़त्म। यहाँ पे मैडम जी कर रही हैं दूध गरम। हेलो एवरीवन। तो ये इंडक्शन पे दूध गरम हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारी गैस ख़त्म हो चुकी है आज, तो हम बहुत खुश हैं गैस ख़त्म होने पे, क्योंकि जब गैस ख़त्म हो जाती है तो हमें चूल्हे की रोटियाँ खाने के लिए मिलती है। तो अभी हम चल देते हैं ऊपर, खाएंगे चूल्हे की रोटी। मम्मी ऊपर चूल्हे की रोटियाँ बना रही है, तभी मैं जाता हूँ। तो आप आ रहे हो मैडम जी? जाओ तो मैडम जी बाद में आएंगी, तो अभी मैं जा रहा हूँ चूल्हे की रोटियाँ खाने के लिए। तो मैम आएंगी बाद में, मैं चलता हूँ। मम्मी ने ऊपर चूल्हा चला रखा है, देखते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने चूल्हा चला रखा है, हम खाने वाले हैं चूल्हे की रोटियाँ आज। तो यहाँ बैठी है मम्मी, इधर देख सकते हो मेरे पीछे चूल्हा चला रखा है मम्मी ने। तो आज खाएंगे चूल्हे की रोटी। मम्मी ने यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम कर रखा है, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मम्मी ने खटिया भी बना रखी है। तो यहाँ पे चूल्हा चल रहा है, मम्मी रोटी बना रही है। उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे देखो, ये बैठने का भी मम्मी ने इंतजाम कर रखा है। ये यहाँ पे टायर है, तो टायरों पे मम्मी ने यहाँ पे ये मैट बिछा रखा है, तो इन पे हम बैठेंगे। तो मम्मी ने रोटी दे दी है मेरी, तो मैं रोटी खा लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरी लास्ट रोटी बची थी, तो मैं ये रोटी खाऊंगा। तो गाइज, हमारी रोटी आ गई है, मेरी रोटी यहाँ पे मम्मी ने दे दी है, देख सकते हो आप। तो मेरी रोटी यहाँ पे आ गई है, मम्मी यहाँ पे बना रही है रोटियाँ, और मैं बैठ गया हूँ। मम्मी ने जो बेड बनाया था उस बेड पे बैठ गया हूँ। तो अभी मैं खाता हूँ रोटी, ये देख सकते हो आप, मेरी रोटी आ गई है। बिरयानी तो मम्मी ने ये आलू की रोटियाँ बनाई हैं आज, तो हम वो आलू की रोटी खाएंगे घी भर भर के। तो मम्मी ने जो बेड बनाया था, मैं उस बेड पे बैठा हुआ हूँ। ये मैडम जी भी आ गई है मेरे पीछे, आप देख सकते हो मजे शाही लेने के पनीर लिए। देखो, आप देख जाओगे, तो मैं रोटियां खाता हूँ। वही खड़ा खड़ा। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ बेड पे, मम्मी ने जो बेड बनाया था, मैं खा रहा हूँ यहाँ पे रोटियाँ। यहाँ पे हम खा लेते हैं रोटी, चूल्हे की रोटी। तो अभी रोटियां हो गई थी थोड़ी कम, तो मम्मी ने यहाँ पे दोबारा से आटा लगाया। तो मम्मी नीचे से आटा लेके आई थी। जब हम छत पे खाना बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि सारी चीज़ें फिर हमें नीचे से किचन से जाके लानी पड़ती हैं। तो अभी मम्मी यहाँ पे दोबारा से आटा लगा रही है, तो अभी दोबारा से रोटी बनाएगी, क्योंकि रोटी यहाँ पे कम हो गई है। चूल्हे की रोटियाँ क्या एक्स्ट्रा ही खाई जाती हैं, जो एक रोटी खाने वाला होता है वो भी दो रोटी खा जाता है। तो अभी मम्मी यहाँ पे आटा लगा लेगी और मम्मी बनाएगी यहाँ से दोबारा से रोटियाँ। तो मैं तो रोटियाँ खा रहा हूँ अपनी, तो अभी आटा लगा लेती है मम्मी, उसमें से भी मैं एक गरम रोटी खाऊँगा। तो अभी मैं खा लेता हूँ रोटियाँ, मम्मी आटा लगा लेती है।
बुखार में खांसी में अमरूद पता है तो खांसी में अमरूद से तो जावे चूल्हे में भूल लिया भूल गए जब खांसी में कितनी पुरानी पुरानी खांसी चली जाए बुखार में अमरूद खाओ तो बुखार जावे पथरी में भी कैंसर में भी अमरूद काम करे और बुखार में हवा में जो मोटे पतले होने में तिल अगर काले तिल अब चीज तो कोई ऐसी खास नहीं है तिल की दूध में ही गर्म कर लेती तो गाइस हमारे चूल्हे में आग बंद हो गई है और यहाँ पे धुआं से बुरा हाल यहाँ पे कट्टा में एक कागज है दही है ये कट्टा भूख नहीं बनाते तो फाइनली हमारी आग जल चुकी है अभी हमें भूख नहीं जो बना देते गोल कर तो मम्मी इसकी भूख नहीं बनाने वाली थी पेपर की बट पहले ही आग जल गई यहाँ पे आग पहले ही जल चुकी है अदरवाइज मम्मी फूक नहीं बना देती इसकी देख सकते हो तो ये दूसरी रोटी की तैयारी करी मम्मी बनाने की प्लेन रोटी बन रही है क्योंकि जो स्टफिंग थी वो ख़त्म हो गई अभी तो गाइस ये मैडम जो बैठी हैं खड़ी हैं सॉरी ये सारी रोटी खा चुकी है ये हमेशा झूठ बोलते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं मेरे लिए जो रोटी थी नंबर वन मेरे लिए जो रोटी थी वो कम पड़ गई है ये सारी रोटी खा चुकी है अभी मेरी देख सकते हो प्लेट में भी कुछ नहीं है तो मेरी इन्होंने मेरे से पहले खाना शुरू करा था और मैंने इनके बाद ही तो मम्मी अभी ये लास्ट रोटी बना रही है जो कि पूरी फट चुकी है तो ये देख सकते हो कागज की फूकनी बनाई मम्मी ने ये देखो कागज की फूकनी नजर लग गई तो मम्मी की फूकनी को नजर लग गई अभी तो मम्मी ने अपनी फूकनी फेंक दी इसमें फूक दी है लो जी फूकनी फूक मार के नहीं जली तो फूकनी से ही जला दी फूक के तब ये फाइनली हो चुकी है तो ये रोटी मैं तो नहीं खाने वाला क्योंकि ये पूरी फट गई है इसमें राख भर जाएगी तब ये मम्मी खाएगी सो यहाँ पे मैंने तो एक पराठा खा लिया है पराठा नहीं एक्चुअली रोटी बनाई है मम्मी ने आलू की चूल्हे पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी बहुत मिर्च डाल रखी है उसमें मम्मी ने तो बहुत मज़े आए खाने के बाद सभी ये दोनों बैठे हुए हैं मम्मी और ये छोटू जी बैठे हुए खाना खा रहे हैं और बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं पर कभी तो आग जग जाती है कभी बंद हो जाती है फिर जल जाती है फिर बंद हो जाती है तो कुछ समझ ही नहीं आता और प्रिंस बेचारे एक रोटी खा कर फिर बैठे हुए हैं तो अभी मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ ठंड की वजह से हो रहा है पूरी जगह सन्नाटा पार्क में बिल्कुल खाली है सब अपने अपने घरों में छुप छुप के बैठे हुए ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप लोग बताइए आप लोगों को चूल्हे का खाना कैसा लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हाँ हालांकि मुझे बनाना नहीं आता चूल्हे पे खाना पर खाना बहुत पसंद है मुझे चूल्हे का टेस्ट ही कुछ डिफरेंट होता है तो भी बैठे हुए हैं बन गई तो चूल्हे पे आग जलनी शुरू तो हो गई अब देखते कितनी देर टिक पाती है आग क्योंकि बार बार जल जाती है बार बार बुझ जाती है आग तो ये जग चुकी है फाइनली आग और मम्मी कह रही है रोटी बहुत अच्छी सिकेगी क्योंकि बहुत देर से ये चूल्हे पे तो धीरे 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 सिकेगी ये रोटी टमाटर तो गाइज हमें हो चुके बहुत देर रोटी हमारी बन के नहीं आ रही है यहाँ पे देख सकते हो
मम्मी अभी सेकने में लगी हुई है रोटी को, बट धुएं भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, रोटी से ज़्यादा धुएं के मज़े आ रहे हैं। तभी मम्मी यहाँ पे सेकने में लग रही है रोटी, देखो देख चूल्हे पे तो टाइम लगे भैया, जब तैने बीच में रुकवा दे जलाने में तो अभी फाइनली रोटी सिक जाएगी, फिर मैं खाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ चूल्हे में लगी हुई है मेरी रोटी अभी सिकने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो मेरी रोटी सिकने लगी हुई है, यहाँ पे ये अंदर है अब जलेगी। पर मुझे डर है कि ये मेरी जो रोटी है इसमें राख ना भर जाए। राख ना भरी तो मम्मी कह रही नहीं राख नहीं भरी, देख लो कहीं भी राख ना, ये आ गई रोटी मेरी अभी और सिक। मम्मी इसको करारी सेकने वाली है, खाने में स्वाद लगे, देखते हैं सिक के आ जाएगी फिर मैं दिखाऊंगा आपको। आग तो बढ़िया जल गई है, जितना परेशान किया उतनी बढ़िया जली है। जब जली है जब तेज जरूरत ना आए पतीली में बना लेंगे सब सब्जी, पर लकड़ी तो है नहीं। तो ये मैडम जी सुबह की प्लानिंग कर रही है पर खड़े होकर हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी पतीली में, वो बड़ी लकड़ी है तो ये पतीली में बनाने वाली है मोटी वाली। ऊपर आप देख सकते हो ऊपर चंदा मामा आ गए, एक तारी भी आपको दिख रही है, ऊपर चंदा मामा है और नीचे ये हमने जुगाड़ू फोन चलाया ऊपर। तो यहाँ पे फाइनली मेरी रोटी बन के आ गई है, बहुत टाइम की वेट के बाद ये रोटी आ गई है मेरी, आप देख सकते हो ये आ गई। माखन दिया मम्मी ने तो फाइनली रोटी आ गई है मेरी, बहुत टाइम से मैं इसके लिए वेट कर रहा था। ये पता नहीं लग रहा है इसका, ये उल्टी किधर से सीधी किधर से आएंगे सीधे। गर्मा गर्म करारी करारी पराठे खा लो। तो ये रोटी आ गई हमारी तो हम उसको खाएंगे, बढ़िया सा घी धुआं आ गया है, गरम गरम है ना ये सिक्की हुई अच्छी सी। बस और भी तो दिखा रहे हैं। और यहाँ मम्मी कर रही है अब तैयारी सामान नीचे लेके जाने की। तो आज का हमारा ये व्लॉग आई लो, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और जिस जिसको मन कर रहा है चूल्हे की रोटी खाने का वो सब आ जाओ। तो गाइस मैंने आधी रोटी खा ली थी पर आधी पे मुझे ठंड लग गई है अभी, तो मैं नीचे लेके जाऊंगा, मैं नीचे खाऊंगा ये रोटी। और ये मैडम जी पूरा सामान लेके आ रही हैं, मम्मी यहाँ पे कर रही है सफाई, तो मैं चलता हूँ नीचे ये रोटी खाऊंगा। तो उससे पहले मैं ये फोन निकाल देता हूँ, आलू बैंगन पतीली में, पतीली तो कैरी छोड़ेगी। तो अभी चलते हैं नीचे, मैं चल देता हूँ नीचे रोटी लेके। तो ये आधी रोटी बची है जबकि मैं नीचे खाने वाला हूँ, कंबल में बैठ के रोटी खाऊंगा मैं। ओपन कर लेता हूँ गेट, तो मैं यहाँ पे खाऊंगा अभी ये जो रोटी बची थी मैं यहाँ पे खाऊंगा, बैठ के टीवी देखूंगा रोटी खा लूंगा। ये मैडम आ गई सामान लेके। हेलो गाइस खाना खा लो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर रोज़ मेरी वीडियो 11 बजे इस चैनल पर देखने को मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, वीडियोस को देखा करें और लाइक किया करें। तो जय श्री श्याम दोस्तों।